a South Asian Canadian channel. दिल्ली सरकार की भ्रिष्टाचार रोकू ब्रांच ने जल बोर्ड विच तकरीबन 20 करोड़ रुपए के घपले के मामले विच आरएम ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलाजमान विच राजेंद्र नायर उर्फ राजू नायर, गोपी कुमार केडिया ते डॉक्टर अभिलाष पिलई शामिल ने। राजू नायर आराम ई पेमेंट लिमिटेड का निर्देशक है। डॉक्टर अभिलाष पिलई फ्रैश पे आई टी सोल्यूशन का निर्देशक है। सारे मुलजमान तो पुलिस पूछगिछ कर रही है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत मिली सी कि दिल्ली जल बोर्ड ने कारपोरेशन बैंक नू अपने उपभोक्तावां दे बिल कलैक्शन की जिम्मेवारी दी सी। इस दे लई बैंक तो साल 2012 विच 3 साल लई कंट्रैक्ट किया गया। बाद विच इस नू साल 2016 फिर 2017 अते 2019 तक वधाया गया। उपभोक्तावां दे पानी दे बिलां दे भुगतान दे कैश अते चैक लई जल बोर्ड दे ही स्थानक दफ्तर विच EUQC मशीन लगाई गई। ACB सूत्रों मुताबिक कारपोरेशन बैंक ने नकदी और चैक कलैक्शन की जिम्मेवारी MS फ्रैश पे IT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सौंपी सी। उसनों इस पासे सीधा दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा करवाना सी, पर इस कंपनी ने EUQC मशीन तो चैक और कैश कलैक्ट कर फैडरल बैंक के खाते में जमा करवाए। फैडरल बैंक के जिस खाते विच MS फ्रैश पे IT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के पैसे जमा करवाए वह बैंक खाता MS अरूम ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाते सी। इस तो बाद फैडरल बैंक के जिस अकाउंट च रकम जमा करवाई उस खाते विच RTGS जरिए वख-वख तारीखों नू पैसा ट्रांसफर कर दिता गया, पर पता लग्या कि पैसा जल बोर्ड के अकाउंट विच ट्रांसफर ना करके किते होर किता गया। साल 2019 विच इस फर्जीवाड़े की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड नू हुई, पर जल बोर्ड ने अपना पैसा रिकवर करन दे बजाए कंट्रैक्ट रिन्यू किया। चैक अते कैश कलैक्शन लई दित्ती जाण वाली फीस 5 रुपए प्रति बिल की जगह वधा के 6 रुपए कर दित्ती गई।